हेलो गाइस, स्वागत है सभी लोगों का हमारे चैनल अननोन गेमिंग में। तो गाइस, आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ स्वर्डिगो। तो इस गेम का पार्ट वन ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है, तो पहले जाके आप लोग पार्ट वन को देखिए, फिर पार्ट टू देखने आगे तभी समझ में आएगा कि इस गेम में हो क्या रहा है। तो बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि पार्ट वन में हम लोग इस गेम के लेवल वन के बॉस को मारे थे, जो कि यहाँ पर है। तो गाइस, अभी हम लोग आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि आगे और क्या होता है। तो इस जगह पर हम लोग पिछली बार छोड़ दिए थे। यहाँ पर हम लोग को एक ठोक चेस्ट लेना है, इस चेस्ट को हम लोग लेके आगे चलते हैं। और आप लोगों को ये वाला गेम का लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस गेम का नाम है स्वर्डिगो। तो भाई, अगर आप लोगों को गेम का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आप लोग कमेंट बताना कि आप लोगों को अगला कौन सा गेम का वीडियो चाहिए, ताकि हम लोग उसको चैनल में डालें। भाई साहब, इतना पावरफुल मॉन्स्टर, हम लोग को इसको हराना होगा ताकि हम लोग आगे जा पाएँ। इसकी तो हेल्थ ही कम नहीं हो रही, मेरे सिर्फ 2 की हेल्थ है। और तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग अपना इस पावर को अपने मैजिक बोल्ट में लगा लेते हैं, ताकि इससे हम लोग उससे दूर से मार सकें। उसका हेल्थ थोड़ा सा कम हुए हैं, लेकिन उसका हेल्थ कम नहीं हो रहा है गाइस। इसको हम लोग फिर से तलवार में लगा के हम लोग इसको ट्रिकी मारते हैं। बस ये मरने वाला है, इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ पे मरेगा। तो गाइस, मेरे को लगता है हम लोग ऐसे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे कोई रास्ता है नहीं। आ जा आ जा आ जा, यहाँ मरेगा, यहाँ मरेगा तू। आज बहुत मार लिया सबको, अब तू मेरे से मरेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट लेने के लिए नीचे बुलाया था, वरना हम लोग को नीचे कोई काम नहीं है। हम लोग को मेन चेस्ट के लिए नीचे आना पड़ा। अब हम लोग चलते सीधा ऊपर। तब गाइस, मैं आप लोगों को मिलता हूँ सीधा ऊपर में। अब हम लोग देखते हैं कि इधर तरफ होता क्या है। शायद से यहाँ पे कुछ बड़ा फाइट होने वाला लगता है मेरे को। अब यहाँ पर हम लोग को एक नया पोर्टल मिल जाएगा, और इस घास को तोड़ के आगे चलते हैं। ये फिर आ गया, गया। इस पोर्टल को पहले एक्सेस कर लेते, ताकि हम लोग यहाँ पे फिर टेलीपोर्ट हो पाएं। ये क्या चीज़ है, इसका तो हेल्थ ही नहीं जा रहा, इतना मारने के बावजूद इसका बहुत ज़्यादा हेल्थ है। एक बार पीछे चल के देख लेते हैं पीछे में कुछ है क्या। देखो गाइस, यहाँ भी आगे रास्ता है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बस हम लोग को इसको मार के वापस जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं आगे। चलते हैं आगे। तो ये पहाड़ कह दिया है, मतलब इसमें भी ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, इसमें से ऐसे ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे। एक मिनट मिनट, ये तो आगे हो रहा है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट चीज़ मैं पता करूँ अभी। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे एक और चेस्ट है, और इस चेस्ट में एक सॉर्ड जो कि रेड कलर की है, इसका नाम है द नीडल। इस सॉर्ड को हम लोग चेक करते हैं, सॉर्ड का पावर कितना है। इस सॉर्ड का डैमेज है 20 से लेके 36 का, जो कि बहुत अच्छा डैमेज है। तो गाइस, मैं यहाँ पे का चेस्ट लूट चुका हूँ, और हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। शायद से आगे हम लोग को, तो आगे हम लोग इसके दूसरे साइड हम लोग को यहाँ पे आगे जाना है, तो उससे पहले ये गेट खोलना होगा। तो ये गेट कैसे खुलेगा, अच्छा यहाँ पे इसको मारना है, ये हो गया। और हम लोगों को सैसे वाला गेट खुल जाना चाहिए अभी तक के। हाँ, सैसे वाला गेट, हाँ गाइस वाला गेट खुल गया। हम लोग यहाँ से भी चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग को ठोकर चेस्ट मिलेगा, उस चेस्ट को हम लोग तोड़ेंगे फिर आगे जाएंगे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ नीचे चेस्ट लेने के लिए। अब इसको मार के हम लोग जल्दी इस चेस्ट लेते हैं, और ये हम लोग को फिर से मिल गया एक्सपी, जो कि है 352 एक्सपी। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब फिर देखते हैं आगे क्या है। ये लोग फिर आ गए ऊपर वाले। इन लोगों से मेरे को बहुत ज़्यादा नफरत है, इतने बेकार हैं इन लोग।
तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, इतना तेज़ दौड़ते हैं कि हम लोग इनको बराबरी भी नहीं कर पाते। तो गाइस उन चार पौधों को मार के मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे फिर ये आ गया, यही सबसे बेकार चीज़ है इस गेम का। और दूसरा ये कॉकरोच, इन लोगों को जल्द आसानी से तलवार पड़ता ही नहीं, और इन लोग सट सट मार देते हैं हम ही लोगों को। पर ये भी बहुत, इसको मारना लेकिन अब आसान हो गया तलवार के कारण, क्योंकि जो नया तलवार मिला है बहुत पावरफुल नया तलवार है, इसके कारण इन लोगों को मारना आसान हो गया है। यहाँ पे नीचे एक और चेस्ट है, नीचे चेस्ट पहले देख डाला हूँ मैं, इसको पहले मारना होगा और नहीं मेरे को मार डालेगा। आ जा बच्चू आ जा, एक काम करता हूँ यहाँ पे बम रख देता हूँ, नीचे दीवारें फूट जाएगा, इन लोग भी मर जाएंगे। अरे इन लोग कोई नहीं मरे, लगता है मेरे बम में ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब मेरे बम में नहीं, ये बम जो दिया है उस बम में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? गया। गाइस लेकिन कैसा पूरा सीन चेंज हो गया अभी तक के, पहले हम लोग कहीं और मिट्टी टाइप के एरिया में लड़ रहे थे, अभी हम लोग पता नहीं क्या ही एरिया आ गए हैं, पूरा अंधेरी रात वाला एरिया है। यहाँ पे एक और पोर्टल मिल गया हम लोग को, इस पोर्टल का भी एक्सेस ले लिए, हम लोग यहाँ से फिर आगे दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये गाइस ये मूव कर रहा है, इसमें हम लोग को मूव करके ऊपर जाना है, इसको इसको मूव करके हम लोग को ऊपर चढ़ना है, ऊपर ऊपर एक झूला टाइप का दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, ये इसमें हम लोग को चढ़ना है। चढ़ गया, अब इसमें से कहाँ जाना है, उधर तो उतना दूर तो छलांग नहीं लगेगा। अच्छा इसको हिलाना है पहले, अब शायद से हो जाए, हाँ हो गया। यहाँ पर हम लोग को मिल गया कॉइन, अब चलते हैं आगे। अब आगे कहाँ जाना है, आगे अच्छा इसी में आगे जाने हैं। चलो गाइस अब आगे चलते हैं, अब इससे लड़ते हैं। ओ ये क्या चीज़ है गाइस, देखा आपने, ये जमीन में हाथ मारा जहाँ पे मैं था वहीं पे सीधा इसका जड़ निकल के आ गया, बच गया। इसका नाम है द गार्डियन, मार के दिखा इसको, तो मैं मार के जाऊंगा, इसके पहले मैं इसको स्किप नहीं करूंगा, पहले तो इसको मार के जाऊंगा मैं, चाहूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ पर इसको मारे बिना नहीं। और ये बच गया भाई साहब। तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।